नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। इसी बीच दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। अभी आपका एक मिनट भी बहुत कीमती है, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में होगा, आपको सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके बताएंगे आपको, ठीक है। यानी कि आपके लगभग इस 50 क्वेश्चन से लगभग 500 क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, जिनमें से आपके एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन तो आने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखते रहना, ठीक है, बिना स्किप किए, ताकि 500 क्वेश्चन आपको मिल जाए ओनली ऑन 15 मिनट के अंदर अंदर, और आपको याद भी हो जाएंगे, एक मेरी गारंटी है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला हम 51 से स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर से है ये। राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है और लगभग आपके 3 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, और ये क्वेश्चन हर बार इसी टाइप में पूछे जाते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद की संख्या, लोकसभा अध्यक्ष की संख्या, आपके लोकसभा की संख्या, सॉरी राज्यसभा की संख्या, विधानसभा की संख्या, ये सारी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करेंगे, ताकि आपका पॉलिटिकल साइंस से तीनों ही क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30, ठीक है। राजस्थान में राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 30 होती है दोस्तों। ये 91 आर्टिकल के संविधान संशोधन के तहत ये है कि किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या 15% होती है। अब जैसे कि राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें है, तो राजस्थान में आप सभी को पता होगा कि 200 विधानसभा की सीटें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितनी विधानसभा की सीटें है, तो 200 आपको बताना, तो 200 का 15% 30 होता है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री सहित है, ठीक है, मुख्यमंत्री को हटा दे तो 29 हो जाता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तो राजस्थान में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो राजस्थान में लोकसभा के दोस्तों यहाँ पर आपके 25 सदस्य होते हैं। आपको पता होगा प्रधानमंत्री के चुनाव के समय आपके कितनी जगहों पर चुनाव होता है राजस्थान में, तो 25 जगहों पर होता है, और राज्यसभा की राजस्थान में 10 सीटें होती है, ठीक है। पिछले साल BSTC में बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था, जिसका दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस बार भी वो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में राजस्थान से कुल कितने संसद में कुल कितने सदस्य जाते हैं। अब संसद में दोस्तों राज्यसभा के भी जाते हैं और दोस्तों आपके लोकसभा के भी जाते हैं, तो दोनों को मिला के आपको 35 उत्तर बताना था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, लोग लोकसभा का ही समझ के वहाँ पर 25 करके आ रहे थे, ठीक है। तो दोनों का पूछ ले तो मतलब संसद में दोनों ही जाते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, लोकसभा के 25 और राज्यसभा के आपके दोस्तों यहाँ पर 10, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 52, राजस्थान में कितने संभाग है, तो राजस्थान में दोस्तों 7 संभाग है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों आपका जयपुर, ठीक है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है जोधपुर, ये आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो राजस्थान में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, 1967 में। दूसरी बार कब लगा, तो 1977 में लगा था दूसरी बार, ठीक है, तो दोनों भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 4 बार लग चुका है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में वह कौन सा जिला है जो कर्क रेखा, जिसमें से होकर कर्क रेखा निकलती है, तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर, तो इसमें ऑप्शन डूंगरपुर का मिल रहा है, तो ये हमें सही कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों से होकर गुजरती हैं, आपको बता दें राजस्थान में 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है कर्क रेखा की, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अभी 7 पे दोस्तों आपके कर्क रेखा से रिलेटेड यही क्वेश्चन था, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, ये क्वेश्चन पूछे तो आपको बता देना माही नदी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपको पता ही होगा जैसलमेर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं। सबसे छोटा जिला धौलपुर है, अब वो धौलपुर पूछे तो धौलपुर बता देना सबसे छोटा। सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा जिला आपका दोस्तों बाड़मेर है, ठीक है। उसके बाद बात कर जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है, ठीक है, आपका जयपुर जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों राजस्थान में 56 का क्वेश्चन है, राजस्थान जीके से, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का दोस्तों आपको पता होगा पहला स्थान है, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में स्थित है, सेवर नाम की जगह है, सेवर भरतपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना, भले ही पेपर देने के बाद आके इस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, ठीक है। 59 क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, ठीक है,
उत्तर भारत का, ये दोस्तों पूछ रहे हैं अंग्रेजों के टाइम मतलब पहले वाले टाइम में, ठीक है। सर्वप्रथम साक्षर जिला कौन बना था, तो ये अजमेर जिला है वो सर्वप्रथम साक्षर जिला बना था, ठीक है, उत्तर भारत में सबसे पहले। ये थोड़ी सी क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। अभी की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, तो आपको पता ही होगा दोस्तों कोटा में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, उसके बाद में जयपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ से बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कांडला है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 62, ताल छापर किस लिए प्रसिद्ध, ताल छापर अभ्यारण है जो कि दोस्तों चूरू जिले में आपका पड़ता है और ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बाघ के लिए प्रसिद्ध विश्व भारत में प्रसिद्ध है रणथंभौर अभ्यारण, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर अजमेर में है, ठीक है। तो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान का धातु नगरी, राजस्थान की मेटल नगरी कहाँ किसे कहते हैं, तो राजस्थान की धातु सर्वाधिक दोस्तों नागौर में निकलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपके बात करें राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ निकलता है, तो जयपुर की खान है मोरिना बानोला, तो वहाँ पर निकलता है मोरिचा बानोला, चोमू में स्थित है, ठीक है। तो ये जयपुर में सबसे ज़्यादा दोस्तों निकलता है आपका लोहा, ठीक है। भीलवाड़ा की बात करें तो दोस्तों भीलवाड़ा में आपसे निकलता है अभ्रक, राजस्थान की अभ्रक नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को, धातु नगरी कहते हैं नागौर को। किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकलता है, तो बांसवाड़ा में मैग्नीज सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। खनिज से दो क्वेश्चन आपके पक्के हैं, ये भी ध्यान रख लेना, इस मॉडल पेपर में तीन दिए हुए हैं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पलाना में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पलाना कहाँ है, नागौर पहाड़ में, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, आगे जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, कृत्रिम झील पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, जे संबंध झील, ठीक है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जे संबंध झील है, ठीक है। गीदड़ नृत्य कहाँ पर होता है, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों अग्नि जो नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करें दोस्तों जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जसनाथ जी हैं। विष्णोई संप्रदाय के कौन है, तो यहाँ पर आपके जाम्बो जी है। राम स्नेही संप्रदाय कहाँ पर चलता है, तो भीलवाड़ा के शाहपुरा से है, और दोस्तों रामानुज इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है। आगे दोस्तों कबीरपंथी को तो आप जानते हैं दोस्तों, कबीरपंथी का राजस्थान से बाहर के। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा, सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं जो फूंक देकर फूंक मार के बजाए जाते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब देखिए सुशीर वाद्य यंत्र कहाँ, यहाँ पर आप बता दें, तो सुशीर वाद्य यंत्र दोस्तों आपको पता होगा फूंक मार के बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र होता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका बांसुरी भी शामिल है एंड दोस्तों सेनाई भी शामिल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूछा है तो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों आपका सेनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर फूंक मार के बजाया जाने वाला सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों कपिल मुनि का मेला भरता है, तो कपिल मुनि का मेला है जो आपके दोस्तों यहाँ पर कोलायत में भरता है, ठीक है, कोलायत बीकानेर में, तो बीकानेर भी ऑप्शन है लेकिन कोलायत परफेक्ट जगह है, तो कोलायत इसका सही आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो गणगौर दोस्तों आपको पता होगा चैत्र में मनाया जाता है गणगौर आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस नदी में किस दिन लील टांस पक्षी का देखना शुभ माना जाता है, तो दोस्तों लील टांस पक्षी का दशहरे के दिन देखना शुभ माना जाता है, नवरात्रा के बाद जो अगली रात आती है वो दशहरा आता है, दिन आता है जो दशहरा होता है, और दोस्तों उसके दिन लील टांस पक्षी देखना शुभ माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है, लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है वो किसके होते हैं, आप सभी को पता होगा, आप ग्रामीण परिवेश से हो तो आपने देखा ही होगा, तो कांसे की थाली है वो बजाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए डिंगल का हेरोन्स किसे कहा जाता है, तो डिंगल का हेरोन्स है वो दोस्तों यहाँ पर आपके पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी रिख्या जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा लोक देवता दोस्तों प्रभु पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजाजी, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी और ये पंच पीर में शामिल नहीं है, तो इसका दोस्तों मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, गोरापा हमेदू, ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गोरापा हमें दो, ठीक है।
गोरापा हमें दो, गो का तो कोई मतलब नहीं है। गो से होता है दोस्तों गोगा जी जो पंचवीर में शामिल है, रा से होता है रामदेव जी जो भी पंचवीर में शामिल है, प से होता है पाबू जी वो भी पंचवीर में शामिल है, एक होता है ह से हड़बू जी जो कि रामदेव जी के शिष्य थे, ठीक है। उसके बाद में मेहा जी मांगलिया जो भी पंचवीर में शामिल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मधुमक्खियों की देवी किस माता को कहते हैं? तो मधुमक्खियों की देवी दोस्तों जीण माता को कहते हैं, जीण माता का मंदिर रेवासा सिक्कर में इनका मंदिर है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की, तो क्वेश्चन नंबर 78 है स्वांग्या माता कहाँ के शासकों की कुल देवी थी? तो जैसलमेर के शासकों की कुल देवी थी स्वांग्या माता, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जयपुर के कछवा राजवंश की, उदयपुर की कोटा की, तो उदयपुर के यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी बाण माता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके ये ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को, बाड़ी के युद्ध को, खातेली के युद्ध को, खानवा के युद्ध को, ठीक है। तो मेवाड़ की थर्मापोली कहा जाता है हल्दीघाटी को, और मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को जो कि सन आपका दोस्तों अकबर 1582 में हुआ था, ठीक है, और हल्दीघाटी के युद्ध 1576 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए रणथंबोर पर आक्रमण किया था 1301 में, 1303 में किया था चित्तौड़ पे, 1308 में किया था दोस्तों आपके सिवाना पे, और दोस्तों 1311 में किया था आपके दोस्तों यहाँ पर जालौर में, और इन सभी में दोस्तों साका हुआ था यानी कि रानियों ने जौहर किया था, इन पुरुषों ने कैसरिया किया था, तो सभी ध्यान रखना आपको और सभी के शासक भी आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान की गांधी किसे कहते हैं? तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, ध्यान रखना है ना, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है BSTC में, ठीक है। आगे क्वेश्चन एक बात करें दोस्तों, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, वागड़ का गांधी। बीजे की पहाड़ी स्थित है? तो बीजे की पहाड़ी दोस्तों बेराट में स्थित है, बेराट जयपुर, वैसे जयपुर अगर बेराट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहता तो जयपुर करना पड़ता, लेकिन बेराट परफेक्ट जगह दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या से मैंने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चन जरूर आपके आने वाले हैं, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा संभाग है वो यहाँ पर आपका कोटा है, ठीक है, कोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 84 है, ठीक है। सुमेलित आपको करना है, इसमें से देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सुमेलित करना आपको यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये रहा आपका दोस्तों, अब देखते हैं आप यहाँ पर, तो नवलखा दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर सबसे पहले बात करें कोलायत की, नीचे से स्टार्ट करते हैं, कोलायत दोस्तों आपका बीकानेर में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बात करें बालसमंद, तो बालसमंद आपकी दोस्तों यहाँ पर पड़ती है आपके जोधपुर में, ठीक है। उसके बाद बात करें गेव सागर की, तो गेव सागर आपकी डूंगरपुर में पड़ती है, और नवलखा दोस्तों आपकी बूंदी में पड़ती है, ठीक है, यानी कि ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, तो यानी कि आपका यही ऑप्शन सही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रहा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, जिन वनों पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, जिन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है उसे क्या, पूर्ण सरकारी नियंत्रण यानी कि आप वहाँ पर दोस्तों ना तो लकड़ी काट सकते हैं, ना सूखी लकड़ी ले सकते हैं, और ना ही वहाँ पर आप कुछ मानवीय क्रियाकलाप कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र को कहते हैं आरक्षित, ठीक है, आरक्षित कहते हैं। और दोस्तों आरक्षित क्षेत्र राजस्थान में 38% ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पर 38% आरक्षित क्षेत्र, और ये सबसे ज़्यादा दोस्तों उदयपुर में, ठीक है, आप ध्यान रख लेना उदयपुर में। उसके बाद में होता है दोस्तों एक संरक्षित और एक होता है अवर्गीकरण, 3 क्षेत्र होते हैं। जहाँ पर देखिए सुरक्षित क्षेत्र में क्या करते हैं दोस्तों, आपका दोस्तों यहाँ पर सुरक्षित नहीं संरक्षित क्षेत्र रहता है, सुरक्षित और आरक्षित एक ही चीज़ है, संरक्षित क्षेत्र रहता है, संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में दोस्तों आपका यहाँ पर रहता है 56%, ठीक है, 56% कुछ ऊपर है। तो वहाँ पर देखिए इन इसमें दोस्तों सबसे जो जगह है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में 12 जिले में ये जगह, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र, जहाँ पर दोस्तों आप सूखी लकड़ी एकत्रित कर सकते हो, पेड़ नहीं काट सकते, ठीक है। अवर्गीकृत क्षेत्र में आप कुछ भी कर सकते हो जो कि 6% क्षेत्र रहता है, और ये बीकानेर में सार्वधिक है अवर्गीकृत क्षेत्र, यानी जिनमें सरकार का कुछ भी नियंत्रण नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो एशिया के पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है, पक्षियों की शरण स्थली भी कहते हैं इसे, तो ये दोस्तों केवला देव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि दोस्तों आपके भरतपुर जिले में पड़ता है।
ठीक है दोस्तों, ये भरतपुर जिले में पड़ता है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजस्थान का दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था सन 1978 में। ठीक है, और उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पर सॉरी 1981 में। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ 1981 में। ठीक है, 1981 में और 1980 में हुआ था रणथंभौर। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आप बात करें आपका टाइगर रिजर्व की, तो राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व अब वर्तमान में 4 हैं हो गए हैं। ठीक है, एक तो आपका रणथंभौर, एक आपका सरिस्का, एक आपका मुकुंदरा हिल्स और एक आपका एक आपका दोस्तों अब रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भी घोषित हो चुका है। ठीक है, जो कि टाइगर रिजर्व में आता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत का वह राज्य जहाँ अनेक प्रकार के खनिज मिलने के कारण भूगर्भवेताओं ने खनिज का संग्रहालय कहाँ है। ठीक है, खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय, जहाँ पर राजस्थान में लगभग 100 के करीबन खनिज पाए जाते हैं, 87 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, ये वो राजस्थान है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी में लोह अंश की प्रधानता एवं कार्बोनेट की कमी होती है, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी दोस्तों अजमेर, सवाई माधोपुर, सिरोही, इन सभी में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, ये किस जिले में सर्वाधिक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये उदयपुर जिले में सर्वाधिक है। ध्यान है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरावली से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में लगभग 80% ठीक है अरावली है, जिसमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा उदयपुर में 550 किलोमीटर रहती है, और सबसे कम बात करें तो सबसे कम अजमेर से होकर गुजरती है अरावली। ठीक है, सबसे कम इसका विस्तार अजमेर में। ठीक है, गग्गर नदी के पार्ट को क्या कहते हैं, यानी कि गग्गर नदी के पार्ट को क्या कहते हैं, गग्गर नदी के पार्ट को कहते हैं दोस्तों आपका नाली। ठीक है, जो कि दोस्तों गग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तानी है, तो राजस्थान के भूभाग का 2/3% रेगिस्तानी है, यानी कि 61% है, और 2/3 का मतलब आपको पता ही होगा कितना होता है। ठीक है, 66% मानते हैं 2/3, मतलब लगभग आपका 2/3 भाग राजस्थान का मरुस्थलीय, और परसेंटेज में पूछ ले तो 61, ये 61 वाला मामला बहुत बड़ा है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, 92 किलो क्वेश्चन है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तो तीनों की लगती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका पोस्टमार्टम हम कुछ करते हैं, तो राजस्थान की दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा गया क्वेश्चन है, 4 जिले इसमें टच होते हैं राजस्थान के, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और एक चौथा जिला होता है गंगानगर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है, सबसे ज़्यादा सीमा किस जिले की लगती है, तो जैसलमेर की लगती है पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर, और सबसे कम की पूछ ले तो सबसे कम बीकानेर की लगती है। ठीक है, उसके अलावा आपको पूछ सकते हैं दोस्तों यहाँ लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक लगती हैं, तो गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के शाहगढ़ तक। ठीक है, ये लगती हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, राजस्थान का राज्य का कुल स्थलीय सीमा कितनी है। ठीक है, देखिए 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 4850 आपकी कौन सी सीमा है दोस्तों, 4850 आपकी दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि राज्यों के साथ लगती हैं, और 1070 देश के साथ लगती है। ठीक है, तो टोटल इन दोनों को जोड़े तो 5920 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों के साथ लगती है। ठीक है, अगर आपको स्थलीय सीमा में आपको यहाँ से पूछ ले दोस्तों कि सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले की लगती है, तो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों आपकी झालावाड़ की लगती है, और सबसे कम पूछे तो सबसे कम बाड़मेर की लगती है। ठीक है, आगे बात करें वागड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो वागड़ नाम है जो वो यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों शेखावटी क्षेत्र है, वो शेखावटी खुद क्षेत्र है, जो कि दोस्तों चूरू, नागौर, सीकर और झुंझुनू इन लगभग 5 जिलों 4 जिलों में पड़ता है। ठीक है, अलवर और भरतपुर को मेवात क्षेत्र कहा जाता है, कोटा झालावाड़ को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है, सभी ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, 2011 की जनगणना, मैंने कहा था 3 क्वेश्चन आएंगे, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है, 200 इसका जनघनत्व राजस्थान का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो जवाहर सागर बांध दोस्तों आपका यहाँ पर स्थित है कोटा में। ठीक है, उसके अलावा पाली में कौन सा बांध है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पाली में जवाई बांध है, भीलवाड़ा में आपको बताया था अभी मेजा बांध है। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे, और बांसवाड़ा में दोस्तों
माही बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, राजस्थान में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया, ठीक है। तो जैसलमेर में लगाया था, सिंपली आपको पता चल गया होगा इससे। तो पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगे हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह चलती हैं। वैसे सबसे ज़्यादा आंधी गंगानगर में चलती है, लेकिन दोस्तों आपका जैसलमेर में लगा था ये, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आंधी चलती। भारत सरकार ने सन 1973 में किस चित्र शैली का चित्र का डाक टिकट जारी किया, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बनी ठनी चित्र शैली जो कि किशनगढ़ की है, यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। मालाणी नस्ल के क्या प्रसिद्ध हैं, तो मालाणी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध है, ठीक है, घोड़े मालाणी नस्ल के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है आपको। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH 15 है, ठीक है। तो ये एक अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, इनमें से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आप पेपर करके बाद में देखना दोस्तों इस वीडियो को, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।